हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैंने आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार आप उसका वॉइस ओवर सुनिए। फिर एक अनहोनी घटी और वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में पूरी नदी सूख गई। तो गाइस, ये एक वॉइस ओवर है और दूसरा वॉइस ओवर यहाँ पे और है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा क्या होगा? हम भूखे ही मर जाएंगे। तो ये दो वॉइस ओवर है। ऑलरेडी मैं करेक्टर एनिमेशन बता चुका हूँ बहुत पहले, और इसका भी मैं करेक्टर एनिमेशन यहाँ पे पहले से कर चुका हूँ। अगर आप नए हो तो पहले जाके मेरे करेक्टर एनिमेशन वाला वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा करेक्टर एनिमेशन पे वीडियो ला चुका हूँ। यहाँ पे मैं कंपाइलिंग बताने वाला हूँ, क्योंकि कंपाइलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। जब आपके पास दो वॉइस ओवर ऐसा, ये वॉइस ओवर को मैंने काट के रखा हूँ, और जब भी हम स्टोरी क्रिएट करते हैं तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हमें पूरा वॉइस देता है, उसके बाद हम उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हम उसको इस तरह यूज़ करते हैं। अगर आपको वॉइस ओवर नहीं लेना आता है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जाना होता है इम्पोर्ट पे, इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी करके यहाँ पे लाइब्रेरी पे आ जाता है। ये प्रॉपर्टीज़ है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लाइब्रेरी को ओपन करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको सेट रखता हूँ, तो यहाँ पे जाके वो लाइब्रेरी में यहाँ पे ये ऑडियो आता है जैसे यहाँ पे है। तो इसको आप सीधा ड्रैग कर लोगे तो आ जाएगा। वे फाइल यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो आप सीधा भी ड्रैग कर सकते हो, सीधा यहाँ पे ड्रैग करके ला सकते हो। तो गाइज, ये जो दूसरा वॉइस ओवर है, ये मैंने यहाँ पे इसका दूसरा ये नरेशन है, तो इन दोनों को मैं पूरा आपको कंपाइल करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कंपाइलिंग करना। इसके बाद आपका आउटपुट निकलता है। जो मेरा पिछला वीडियो था वो प्रीमियर वाला था, कि प्रीमियर में किस तरह उसको लगाते हैं। इस तरह आप अपना स्टोरी क्रिएट कर सकते हो अपना यूट्यूब चैनल के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, या फिर अपना जॉब करना चाहते हो एनिमेटर की पोस्ट पर, तो वो जॉब भी कर सकते हो। तो मैं इजीली तरीके से आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइज, लर्न एनिमेशन हिंदी का वेबसाइट जो है www.jio.edu है, यहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस भी बाय कर सकते हैं, डेटा भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नो कॉपीराइट बैकग्राउंड और करेक्टर आपको मिलता है। जो भी आपको डेटा लेना है www.jio.edu.com की वेबसाइट से ही लेना है। जब आप यहां से लेते हो तो हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है। गाइज, बाकी यहां पे लर्न एनिमेशन में एक एक करके सारे वीडियो आ रहे हैं, जो भी पिछले वीडियो है सब यहां पे आएंगे, और आने वाले टाइम पे हम और भी मज़ेदार कंटेंट लाएंगे। तो चलिए गाइज, चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक में यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे FLA लेके रखा हूँ, सॉरी BG लेके रखा हूँ। तो ये BG जो क्रिएट करते हैं, ये BG क्रिएट करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। पहले बता दूँ, ये सारा BG ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्राफिक कैसे मतलब क्रिएट किया जाता है। मैं आपको पहले, आपने बहुत रिक्वेस्ट किया था पेड़ पे, कि पेड़ पे ड्राइंग, पेड़ वाले पे मतलब ग्राफिक बना के एक बार दिखा दीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया था इस टाइप का पेड़ बनाने में किस तरह करना होता है। मैं हमेशा बताता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपको स्केच आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर, आपको बहुत मेरी बात, तो मैंने बहुत बार सुना होगा आपने, मैं इस तरह बात बोलता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए मतलब एक स्केच आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी BG लेके रखा हूँ। अब जो मुझे वॉइस ओवर के साथ काम करना है, मैं यहाँ पे सीन के अंदर जाके काम करता हूँ, क्योंकि मुझे सीन के अंदर काम करना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। ऑडियो के बारे में पहले बता चुका हूँ कि किस तरह हमने वॉइस ओवर लाया, तो इसके अंदर चला गया और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया। यहाँ पे सीन के अंदर आया हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने आगे कर दिया F5 और पीछे आया। तो इस तरह मेरा पहला ये BG है। ये सब अलग अलग है, तो मुझे इसको यहाँ पे नॉर्मली मैं इसको एक वो बना सकता हूँ, सिंबल बना सकता हूँ। तो मैं अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एनिमेट कर रहा है, तो मैं पहले प्लानिंग करके रखूँगा पेड़ को मैं अलग अलग करूँगा। कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, उसके बाद मैंने एक नया लेयर लिया और राइट क्लिक करके बाहर पेस्टिंग प्लेस किया। यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस करने के बाद इसको दोबारा कंट्रोल एक्स किया और एक नया लेयर लिया, और इसके बाद यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस किया। तो इस तरह अपने पास यहाँ पे 3 लेयर आ चुकी है, लेकिन जो नीचे वाले पे अभी भी यहाँ पे अलग अलग है जो सिंबल, तो हमें इसको एफेट करके एक ही करना है। तो मैंने एफेट करके इसको एक बना दिया। तो इस तरह अपने पास 2-3 सिंबल बन चुके हैं। एक सिंबल ये पीछे वाला हो चुका है, एक सिंबल अपना ये हो चुका है, एक सिंबल अपना ये हो चुका है। तो इस तरह ये जो मैं कर रहा हूँ, ये पूरा मेरा पहले से विजुलाइज है। आपको बता दूँ, जब भी आप स्टोरी क्रिएट करते हो तो डायलॉग के साथ, आप स्क्रिप्ट के साथ, आप पहले आपको आपको स्टोरी बोर्ड बनाना पड़ता है, पर लेकिन हम यहाँ पे स्टोरी बोर्ड नहीं बना रहे, हम विजुलाइज करें। विजुलाइज करने के साथ साथ हम यहाँ पे काम करेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये सारी बातें, कि कभी भी अगर आप कभी स्टोरी को बनाना चाहते हो, आप स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको विजुलाइज करना
करना, मतलब विजुलाइज करना ही होगा, यानी कि आपको अगला शॉट कैसे बनाना उस तरह आपको पहले से मतलब तैयारी करके रखनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले सोच के रखा किस तरह मेरा कैमरा एंगल पैनिंग होगा, क्योंकि अब मैं अकेला बना रहा हूँ तो मेरे पास मैं स्टोरी बोर्ड नहीं बनाऊंगा, नॉर्मली मैं सीधा काम करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इतना कर दिया। अभी मुझे पता है पहला मेरा कैमरा एंगल आराम से बाहर से आएगा, पैनिंग होके नजदीक जाएगा इस गांव के पास। तो मैंने यहाँ पे फिर एक अनहोनी घटी और वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी और कुछ ही दिन इतने तक मैंने क्या किया, F6 कर दिया। हमेशा F6 को मैं कैमरा को यहाँ पे चेंज करने के लिए करता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पहले ट्विन लगाता हूँ, तो क्लासिक ट्विन दे दिया। और क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आता है, ये वाला ऑप्शन तब आता है जब हम बीच से कॉपी करते हैं, और ये यहाँ पे इस तरह सेटिंग करता हूँ। इस तरह सेटिंग करने से क्या होता है, कैमरा स्लो और फास्ट हो जाता है, तो इस तरह थोड़ा अच्छा सा फील होता है। तो मेरे यहाँ से 1:1:10 कर देना, थोड़ा बड़ा कर दिया। इस तरह जब मेरा कैमरा पास में आएगा मैं वॉइस ओवर को यहाँ पे बंद करके रखता हूँ, ताकि ये मेरा पुराना काम है कि थोड़ा इशू हो जाता है कई बार कि यूट्यूब कुछ, क्योंकि पुराना काम है ऑलरेडी किसी चैनल पे पड़ा होगा तो थोड़ा कॉपीराइट आने का भी इशू रहता है, तो इसलिए इसको बंद कर रहा हूँ। आप बंद करो नहीं करो उस पर कोई मतलब कोई वो नहीं है कि आप वॉइस ओवर को चला के रखना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह यहाँ पे पैनिंग होके सामने की ओर आ रही हूँ। तो पहले देखो कि बिल्कुल ही स्लो है, अभी भी यहाँ पे पैनिंग नहीं दिख रहा। अब जैसे ये बीच में आता है तो यहाँ पे जाके पैनिंग दिख रहा है, तो ये सेटिंग की वजह से हुआ। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अब यहाँ पे मुझे ये पेड़ को जैसे सामने जाता है तो पेड़ को मुझे थोड़ा सा इस तरफ करूँगा, मामूली से इस तरफ किया और इस वाले पेड़ को भी इस तरफ किया। तो जब हमारा कैमरा नज़दीक जाएगा तो देखोगे पेड़ यहाँ पे, ये वाले पेड़ पे देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे फील आ रहा है कि वो थोड़ा दूर दूर हो रहा है इस तरह। तो आप इसीलिए मैंने इसको अलग किया था ताकि थोड़ा सा फील आए। तो ऐसा मैंने बहुत बार कर दिया, कंपाइलिंग में हमेशा बोलते हो कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आउटपुट के लिए। तो इतना सा कर दिया और अपना वॉइस ओवर यहाँ पे इस तरह चलेगा अभी। फिर एक अनहोनी घटी और वातावरण में गर्मी फैलने होने लगी। अब मुझे इसके बाद पता है कि यहाँ से जो डायलॉग बोल रहा है यहाँ से ये वाला डायलॉग, और कुछ ही दिनों में पूरी नदी सूखने लगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑलरेडी मैंने नदी का बीजी बना के रखा हूँ। हमेशा बताता हूँ कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखा पहले पुराने वीडियो देखना, पुराने वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताया हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे सीधा लगेगा पहला वीडियो देख रहे कि हाँ मैं ऊपर लेवल पे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं ऊपर लेवल पे नहीं बता रहा हूँ। आप देखोगे मैंने बिल्कुल एक एक करके आई ब्लिंकिंग लिप सिंक किस तरह मतलब हम तैयारी करते, वरना आपको ऐसा लगेगा मैं ऊपर लेवल पे बता रहा हूँ, सीधा कंपाइलिंग बता रहा हूँ, करेक्टर बता ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इतना कर दिया। अभी ये करने के बाद मेरे को यहाँ पे दूसरा बीजी चाहिए। दूसरा बीजी यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे एक और बीजी लेके रखा हूँ, ये वाला बीजी। यहाँ पे जो ये नदी है ये सूख जाती है, और मुझे यहाँ पे सूखते हुए ये नदी दिखाने, यानी पानी यहाँ पे ख़त्म कर लेना। इस तरह के बीजी आपको पहले से बना के रखने होते हैं, पहले से आपको लिख के रखने होता कि मुझे हाँ मुझे ये बीजी चाहिए, और ये बीजी आपको पहले से बना के रखने हैं, ठीक है। कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं पीछे आता हूँ, कॉपी करने के बाद पीछे आता, थोड़ा सा हैवी है तो मतलब इसको मैं थोड़ा सा टाइम लगाता है। इस तरह मैं पीछे आ चुका हूँ, और यहाँ पे आपको कोई भी नया लेयर नहीं लेना है, और यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दिया। देखो अगर आप ये वीडियो देख रहे थे ना, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आपने मेरे वीडियो को देख के थोड़ा बहुत आपको समझ आ चुका है। अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो आप पहले जाइए टूल्स वाला वीडियो देखिए, इस पर लेयर कैसे बनाते हैं वो वाला वीडियो देखिए, बिगनर्स वाले वीडियो को फॉलो कीजिए, तब जाके आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ है। सारे पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8 अगस्त से नया क्लास चालू है। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, इतना ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, लगभग मैंने इतना सेट कर दिया यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, तो इस तरह ये अपना सेट हो चुका है। तो ये बोलता है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पे नदी सूखने लगती है, यहाँ पे बोलेगा कुछ ही दिनों में नदी सूखने लगती है। तो नदी का मुझे एनिमेशन को सुखाना, यहाँ पे सुखाना है इसको जो पानी है। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करता हूँ। ब्रेक इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इस नदी को अलग वो में डिवाइड करना है। इसको कंट्रोल एक्स कर दिया, यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, अलग से पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये पहले इस पर क्लिक करता हूँ, आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। तो ये देखोगे दो यहाँ पे दो लेके रखा हूँ, मैं दो बीजी सेम लेके रखा हूँ। तो इस पर क्या है, ये वाला कलर अलग है, इसी को मैं करके रखा हूँ, इसको कॉपी पेस्ट पहले से करके रखा हूँ, इसी को मैं अलग सिंबल बना के कॉपी और पेस्टिंग प्लेस करके रखा हूँ। तो ये मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर ये आएगा। तो फिलहाल के लिए जो ये वाला पार्ट है इसको भी मैं कंट्रोल यहाँ पे एक्स करता हूँ। कंट्रोल एक्स करने के बाद ये इसको थोड़ा ऊपर रखता हूँ, और यहाँ पे F7 करता हूँ, और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे F7 करता हूँ, और यहाँ पे जाके पेस्टिंग प्लेस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया।
तो यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया। और पेस्टिंग प्लेस करने के बाद यहाँ पे देखोगे आप कि ये घर यहाँ पे छुप चुका है, ये वाला घर अंदर है। तो इस वाले घर को भी कंट्रोल एक्स, ये जो दो चीज़ें इनको मैं कंट्रोल एक्स करके इसको ऊपर ला लेता हूँ, इसके ऊपर एक नया लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे नया लेयर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे नया लेयर लेता हूँ और इसको ऊपर लाता हूँ। हमें प्रॉपर तरीके से काम करना है यहाँ पे, अच्छे से मतलब काम करना है, ऐसा नहीं कहीं पे भी लेयर ले लिया तो वो फिर एक प्रोफेशनल की तरह काम नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे F7 कर दिया और ये जो अपना जो ये वाला जो अपना एक इमेज है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके एक घर ले, पूरा वो घर ले लिया। तो ये नॉर्मली अभी देखोगे इस तरह खाली इतना हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल मुझे इसको अभी नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे कट करके रखता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे जो मुझे एनिमेशन करना है, इस वाले सिंबल के अंदर करना है। ऑलरेडी मैंने पहले से करके रखा हूँ, हमेशा जब भी मैं आपको बताता हूँ आपको बस उस वो टेक्निक को अपने सीन में यूज़ कर सकते हैं। मान के चलो आपके स्टोरी में इन फ्यूचर ऐसा कुछ आएगा, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। आप कोई भी बीज लीजिए, कोई भी नदी लीजिए, वहाँ पे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए मुझे ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगा, ऑलरेडी मैं टेलीग्राम के चैनल पे शेयर किया हूँ बीजी को। तो आप वहाँ पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, अब भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, तब आपको पता लगेगा। अभी देखो ये वाला क्या है, एक सिंबल है। अब अगर मैं इस सिंबल को सारे को अगर बंद करूंगा तो ये वाला सिंबल देखेंगे, तो ये वाला सिंबल यहाँ पे है। तो अब इस सिंबल के अंदर जाऊंगा मैं, तो इस सिंबल के अंदर मैं जाके ये नदी के पानी को इसको सुखाना है। तो यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैंने सारी लेयर को अलग अलग करके रखा हूँ। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि ये एक ऊपर वाला, इस पर भी सिंबल किया हूँ। तो अगर मुझे नदी का पानी सुखाना है तो लगभग मैं यहाँ पे आता हूँ, इतना लेके सुखाता हूँ यहाँ पे। आप बार वॉइस ओवर भी सुनोगे तो लगभग इतना ही है, पानी सूख जाता है इतना तक है। तो यहाँ पे सुनोगे आप, और कुछ ही दिनों में पूरी नदी सूख गई, पूरी नदी सूख गई, तो लगभग इतना है। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर चले जाना है और यहाँ पे सबको एक साथ ऊपर से लेके नीचे तक आप पहले की लगा सकते हो, F6 कर देना। किसके अंदर गया हूँ, ये वाले सिंबल के अंदर गया हूँ, ध्यान से देखना ये वाले सिंबल के अंदर गया हूँ। ऐसा आप अपने वहाँ पे सिंबल बना सकते हो, सब सिंबल में काम हो रहा है और ग्राफिक में काम हो रहा है। और हमेशा याद रखना, अगर आपको पता नहीं मूवी क्लिप क्या होता है, ग्राफिक क्या होता है, इस सब पे वीडियो पहले से बना है, प्लीज़ आप पुराने वीडियो देखना। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीधा कमेंट करना चालू मत करना, अगर गलत कमेंट करेंगे तो ब्लॉक करूँगा गाइज। मैं पहले से बताया मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका जाएगा, क्योंकि आपको फिर ये लर्न एनिमेशन का फायदा नहीं मिलेगा अगर इन फ्यूचर आप एनिमेटर बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो इस तरह, ठीक है। तो ये कर दिया और इसके बाद मैंने सबको यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देना, क्लासिक ट्विन दे दिया एक साथ। और क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे जो ये वाला है, इस पर मैं पूरा इसको यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे अल्फा कर दूंगा तो ये इस तरह अल्फा हो जाता है। यहाँ पे देखोगे इस तरह मैं इसको अल्फा करूंगा तो ये इस तरह यहाँ से पूरे एक साथ अल्फा हो जाएगा ऐसा। ये पूरा अल्फा मतलब पूरा गायब हो गया। वैसे ही हम जो ये पानी है इनको भी हम एक एक करके गायब कर देंगे। यहाँ पे आया, इसको भी मैंने गायब कर दिया, और इसको ये वाला इफेक्ट है, पानी का इफेक्ट है, इसको भी मैंने गायब कर दिया। ये सब मैंने पूरा इफेक्ट मैंने वहाँ पे दिया हूँ, वहाँ पे अपने टेलीग्राम के चैनल पे, वहाँ पे जाना। तो टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करना, इन फ्यूचर भी ऐसी सारी चीज़ें आपको दूंगा पहले, वो आप कर सकते हो। तो इस तरह मैंने बंद कर दिया सबको, मतलब अल्फा कर दिया। अब गाइस यहाँ पे देखोगे जैसे ही पानी सूखता है ऐसा, तो आपने कभी नोटिस किया होगा ना, जब पानी यहाँ से सूखता है इस तरह, अभी देखो यहाँ से पानी अभी यहाँ से पानी नीचे सूख जाएगा इस तरह। तो अभी यहाँ पे ये मैंने रखा है एक नया ग्राफिक है। तो पीछे में देखो यहाँ पे आता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ पे नॉर्मली देखो कि कोई भी चीज़ रहता, पत्थर रहता, अगर पानी सूखता है तो नीचे क्यों रहता, अभी ये पूरा ढका होगा ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद छोटी छोटी बातें हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे ट्यूटोरियल में रहता है, बीच में बहुत जानकारी रहती है, आप इसलिए पूरा देख लेना बिना स्किप किए। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर चला गया, एक नया लेयर लिया, और नया लेयर लेने के बाद यहाँ पे अपना नॉर्मली इस वाले टूल से यहाँ पे आओगे तो जो पेंट ब्रश टूल है, इससे वाइप इसका शॉर्टकट है, तो इससे मैंने इस तरह का एक पहले से इस तरह का इतना बना दिया एक डिज़ाइन, और मैंने इस तरह नॉर्मली उसको ऊपर इस तरह ऐसा कर दिया, और वेट इस तरह कर दिया, और इसको केस से इस तरह कलर डाल दो, कलर कोई से भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ग्रीन कर दिया आउटलाइन करके। ये तो ये क्यों किया मैंने, ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको मास्क कर देना, आप इसको बिल्कुल ही इसको एफेक्ट भी कर सकते हो या नॉर्मली इसको शेप ट्यून से भी काम कर सकते हो। तो अगर मैं इसको एफेक्ट करूँगा तो इस तरह रहेगा, ये पूरा का पूरा इस तरह सिंबल बन जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे जैसे राइटली करूँगा इसको यहाँ पे मास्क कर सकता हूँ, और आप इसको नॉर्मली ब्रेक करके भी रख सकते हो। और सीधा मैंने इसको मास्क कर देना तो ये इस तरह हो जाता है। तो ये करने के बाद आप बाहर देखोगे तो ये पहले से इतना रहेगा,
और ये मैंने जानबूझ के पहले से इतना किया, और अब मैं जब जैसे ये नदी सूख जाती है अब मैं इसको एनिमेशन करूँगा। कैसे? इसके अंदर चले जाऊँगा, यही जो अपना ये वाला सिंबल है इसके अंदर चला जाऊँगा, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ से ऑन करके रखूँगा, यहाँ पे F6 करूँगा और यहाँ पे शेप ट्यून से काम करूँगा। शेप ट्यून यहाँ पे दिया और शेप यहाँ से जब ये वाला बटन रहता है ना इसको ऑन करते हैं ना, इस तरह ऑन हो जाता है, इसको नीचे की ओर लाया ऐसा। तो देखो ये क्या होता है, यहाँ से मैं जब बंद करूँगा तब आपको मास्क नज़र आता है, ये मास्क हो गया ऐसा, इस तरह देखोगे ये मास्क हो गया। मैंने यहाँ पे मास्क यूज़ किया है तो मास्क इस तरह ये मास्क हो गया, नीचे की ओर आ रहा है। अब जब आपका यहाँ पे नॉर्मली मैं इसके अंदर जाता हूँ, जब आपका यहाँ पे पानी सूखता है तो इस तरह नीचे की ओर आ रहा है, तो इस तरह सूख गया। और दूसरा आप सेम आप यहाँ पे भी ऐसा ही कर सकते हो, ये जो पत्थर है यहाँ पे ये ऑलरेडी इतना है पर लेकिन हम इसको सेम ऐसा ही करेंगे यहाँ पे आए। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो आपके एनिमेशन पे जान डालती है। तो गाइज अगर आपको ऐसा कोई और समझाता है तो बेस्ट है वहाँ पे भी जाके सीखे, लेकिन अगर नहीं समझाता है तो गाइज प्लीज़ 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 आप टाइम पे पास मत कीजिए, क्योंकि हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको टाइम टू टाइम आपने काम नहीं दिया, चाहे क्लाइंट है चाहे कोई भी ऑफिसर, तो आपका जॉब भी खतरे में हो सकता है और आपका क्लाइंट भी आपके लिए काम नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी काम देना पड़ता है इस टाइप का काम जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इतना कर दिया, सेम मैंने यही किया हूँ और इसको भी मैंने यहाँ पे आके मास्क कर दिया। मास्क करने के बाद मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और सेम इसको भी मैंने यहाँ पे F6 किया, यहाँ पे शेप ट्यून दे दिया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ पे आना और इसके बाद मैं इसको नीचे की ओर इस तरह कर दिया, ये कर दिया और इस तरह मेरा इस तरह नीचे की ओर हो चुका है, यूँ ऐसा ये हो चुका है। अब आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये नीचे की ओर आ रहा है। तो ये हो गया अपना इतना सा एनिमेशन। आप यहाँ पे देखोगे जब बोलेगा कि नदी सूख रही है तो इस तरह नदी सूखेगी, इस तरह ये पानी देखोगे नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये हो चुका है और इसके बाद मैं सबको यहाँ पे ऑन करता हूँ। ये जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो पहले तो मैं ये जो मेरा अलग से मैंने लेके रखा था इसको मैं ऐसे ऑफ ही करके रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ पहले कितना हुआ। तो यहाँ पे देखोगे इतना कुछ ही दिनों में ऐसा हो चुका है, ठीक है, ये हो गया इतना। और यहाँ पे नदी सूख जाती है तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, जो ये वाला अपना सॉरी इसको मैं ऑन करता हूँ, जो ये वाला अपना जो अलग से मैंने ये लेके रखा हूँ और इसको मैं कैसे काम किया मैं आपको बता भी दूंगा। ये जो मैंने अलग से लेके रखा हूँ इसी को मैं बनाया हूँ, सेम वो को मैंने F8 करके अलग से बनाया, कॉपी करके सेम। इसके अंदर जैसे जाता हूँ तो देखो ये यहाँ पे मैंने खाली कलर चेंज किया है, यहाँ पे मैंने खाली कलर चेंज किया। आप यहाँ पे आओगे ये टिंट कर दिया और ये वाला कलर दे दिया तो ये पेड़ का बन गया और यहाँ पे ये वाला लगा दिया इस तरह। तो अब इसी को मैं यहाँ पे अगर F8 करूँगा, F8 करने के बाद ये पूरा एक सिंबल बन गया। पहले थोड़ा सा वेट करना, अगर ये सिंबल बन चुका होगा, हाँ बन चुका है सिंबल, वेट ये सिंबल नहीं बना, कंट्रोल जेड करता हूँ, अगर कभी कुछ गड़बड़ होता है यहाँ पे फिर से F8 किया। F8 करने से हम सिंबल बनाएंगे, टाइप्स हम सिंबल ही रखेंगे, इसके बाद ये सिंबल बन जाएगा सब। तो सिंबल बन चुका है और इसको मैं आगे की ओर करके रखता हूँ और बाहर आके यहाँ पे देखता हूँ कोई पूरी नदी सूख जाती है। तो इतना नदी सूख जाती है तो पीछे से हम कलर भी इसको चेंज करेंगे। फर्स्ट में आया इसको मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया और फर्स्ट में आके इसको पहले अल्फा करेंगे, यानी कि पहले ये नहीं रहेगा इस टाइप, तो इसको पूरा अल्फा कर दिया। बाहर आया तो बाहर आप देखोगे इस तरह ये अल्फा हो जाएगी, तो इस तरह हो जाएगी इस तरह। अभी आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैं यूँ कर रहा हूँ तो इसके बीच में देखोगे यहाँ पे ये इस टाइप का आ रहा है, ये इस टाइप का आता है ना, इस टाइप का आ रहा है। तो ये क्यों आता है, ये जो बीच में यहाँ पे शो हो रहा है क्यों आता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ये इसलिए आता है कि इसके अंदर जाऊँगा मैं तो यहाँ पे फिर से मैं इसको हटा रहा हूँ और इसको मैं फिर से वापस यहाँ पे रख रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये सारी, क्योंकि आपको ये अगर नहीं चाहिए तो आपको क्या करना होता है। ये जो पूरा का पूरा है ना, अभी देखोगे ये पूरा का पूरा अभी अलग अलग चीज़ों में डिवाइड है, अपना अलग अलग पे डिवाइड है। तो हमें क्या करना है इसके लिए, अगर ऐसा करना है इसके अंदर जाना है, इसको पहले बिट मैप बनाना है, यहाँ पे बिट मैप बनाना है, कन्वर्ट टू बिट मैप करोगे तो इमेज बन जाएगा। ब्रेक कर देना, अब ब्रेक के बाद आप इसको एक सिंबल बना देना। अब ये नहीं करेगा, अब ये पूरा एक इमेज है, अब वो नज़र नहीं आएगा आपको, जो इस तरह आ रहा था ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छाया टाइप की नज़र आ रही थी, अब वो नज़र नहीं आएगा। मुझे यहाँ तक इसको सुखाना है तो यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने इतना एफेक्ट कर दिया और क्लासिक ट्विन लगा दिया और स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पे इसको बंद कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे बाहर आके, अब वो चीज़ें यहाँ पे शो नहीं होगी जो आपको पहले शो हो रही होगी। यहाँ पे देखो नॉर्मल यहाँ पे इस तरह आ रहा है, यहाँ पे इस तरह नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आपको एक अलग से शेडो आ रही है, इसके अंदर का जो पार्ट बना रहता है अब नहीं आएगा, बिकॉज वो ऊपर वाली इमेज अपनी बिट मैप है, इमेज है।
तो ऊपर वाला ग्राफिक ये वाला इमेज बिटमैप है। तो अभी इतना सा काम हो चुका है, अभी आप यहाँ पे देखोगे इसको मैंने यहाँ से मैं थोड़ा सा मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक के बाद एक पैनिंग नहीं देना है कैमरे पे, कब मूविंग नहीं देना है, फिर भी अगर आपको जहाँ लगता है कि दे सकते हो वहाँ पे दे सकते हो आप। वेट, यहाँ लगता है जब भी कभी ऐसा वार्निंग आता है तो याद रखना एक लेयर पे दो सिंबल हो सकते हैं, यानी कि देखो जैसे ये लेयर है इसमें दो सिंबल है, इसको पहले मैं यहाँ पे अलग डिवाइड कर सकता हूँ अगर डिवाइड करना चाहता हूँ। खैर मैं इसको अलग अलग डिवाइड नहीं करना चाहूँगा, यहीं पे इसको डालना चाहूँगा। तो इस तरह मैंने एक पे लगा दिया दोनों को, एक वो बना दिया, अब क्लासिक ट्विन दूंगा। अभी भी ये बता रहा है बिकॉज अभी भी कहीं गड़बड़ है, अभी भी मतलब एक लेयर्स पे दो सिंबल कहीं है, तो वो कौन से हो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने बंद कर दिया और इसको भी यहाँ से बंद कर दिया और यहाँ पे आया, ये देखो कि नीचे ये बीजी वाले को बता रहा था, बीजी वाले में सारे चीज़ अलग अलग है, तो मैं बीजी वाले को एफेक्ट कर देता हूँ। इस तरह आपको पूरा एक सिंबल रखना है, प्रॉपर एक सिंबल में जाके ही काम करना है। तो इस तरह कर दिया और सबको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आके क्लासिक ट्विन दे देता हूँ। अभी कोई वार्निंग नहीं आया बिकॉज अभी सब अपनी जगह सही है। तो इतना कर दिया और मैंने बस इसको थोड़ा सा यहाँ पे 104 थोड़ा सा बड़ा किया, तो इस तरह ये सूख जाती है नदी। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, बाहर आता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे ले आऊँ, इसको हटा देता हूँ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखोगे प्रॉपर तरीके से इतना एनिमेशन हो चुका है। फिर एक अनहोनी घटी और वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में पूरी नदी सूख गई। तो इस तरह आप क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको रेंडर मारना सिखाया, पब्लिक सेटिंग करना सिखाया, अगर नहीं देखा आपने पुराने वीडियो देखे जाके, क्योंकि गाइज अभी अपना चैनल बड़ा हो रहा तो आपको वहाँ पे लग रहा होगा कि नया वीडियो देखते हैं ना, आप कोई भी नया सब्सक्राइबर आता देखते हो अच्छा मैंने ऊपर लेवल पे बताया, नहीं मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, 100 से ज़्यादा लेक्चर दे चुका हूँ, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बताया। ये तो खाली कंपाइलिंग है और बहुत ज़रूरी होता है कंपाइलिंग पार्ट, अगर आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, अगर आपको ये सब नहीं आता है तो बताइए आप स्टोरी कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये हो चुका है, इसके बाद ये वाला डायलॉग खत्म हो चुका है, इसके बाद ये वाला डायलॉग स्टार्ट होता है। हे भगवान, अब हम क्या करें? ये वाला डायलॉग स्टार्ट होता है, तो इसको मैं सेम इसी को मैं यहीं पे सामने ही कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखोगे मैं एक लेयर्स पे काम किया हूँ टोटल, और ये जो लेयर्स है ये वाला प्रॉपर यहाँ पे देखोगे एक लेयर, इसके अंदर सारी लेयर्स है। ये इसीलिए होता है कि अगर आपको इन फ्यूचर ये यहाँ पे स्टेज को चेंज करना हो, 4K में बनाना हो, आराम से आप पूरा एनिमेशन बाहर से कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं फ्यूचर को लेके चलता हूँ कि फ्यूचर में अगर आपको चाहिए इस तरह का तो आप इस तरह काम करोगे तो बेटर है। ठीक है, तो अदरवाइज आप नॉर्मल भी काम कर सकते हैं यहीं पे, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी मैं सेम यही करूँगा, इसको कॉपी किया। अगर आपको वॉइस ओवर के बारे में पता नहीं तो मैं बता दिया वॉइस ओवर कैसे लाते हैं, और इसके बाद इस वाले को मैं एक बार फिर से सिंबल बना देता हूँ, पहले से सिंबल है ही ये, एक बार फिर से भी मैंने इसको सिंबल बना दिया, इसके अंदर चला गया और चलने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया वॉइस ओवर को। ये देखो सीन के अंदर आया हूँ मैं, और सीन के अंदर आने के बाद मैंने इसको आगे क्योर कर दिया ऐसा, तो ये यहाँ पे हो चुका है ऐसा। हे भगवान, अभी देखोगे यहाँ पे इस तरह हो चुका है। ये दोनों के दोनों सीन में आपको कंपाइल करके अगर यहाँ पे दिखाऊंगा अपना प्रीमियर प्रो में, तो इसको मैं ऑन करके रखूंगा। अभी आपको प्रीमियर प्रो शो नहीं हो रहा है, मैं सॉफ्टवेयर को ऑन करके रख रहा हूँ, तब तक ये ऑन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे उतने में ये वाला सीन आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, किस तरह ये मैंने किस तरह मुझे ये अगला शॉट लगाना है। तो यहाँ पे मैंने ये अंदर ले लिया और इसके बाद मुझे यहाँ पे नया बीजी लेना है। नया बीजी लेने के बाद ये जो पीछे है ये वाला जो करेक्टर एनिमेशन है, इस पर भी मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया हूँ, करेक्टर एनिमेशन पे जाके देखना। ऑलरेडी मैंने मतलब आप वॉइस के साथ करना चाहते हो तो वॉइस के साथ बताया हूँ, बिना वॉइस के करना चाहते हो एक्टिंग उसके साथ बताया हूँ, प्रॉपर तरीके से पूरा एनिमेशन बताया हूँ, किस तरह आप फेस का आई ब्लिंकिंग करोगे, लिप सिंक करोगे, सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताया हूँ। बस आपको पुराने वीडियो देखने का ज़रूरत है, अगर अदरवाइज आप मेरी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं हर चीज़ एक एक करके आपको बताया हूँ, बस आपको क्या करना है प्लेलिस्ट में जाना है, एक एक करके चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको शो हो जाएगा एक एक करके। तो ये और जो भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझे बताना, अगर आप फ्री में सीख रहे हो कमेंट में बताना, कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का, अगर मुझे लगता है रिप्लाई कर सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एनिमेशन कर रखा हूँ, लिपसिंग वगैरह सारा कर रखा हूँ, नहीं आता है तो आपको पुराने वीडियो देखना, वहाँ पे सारी चीज़ें बताया हूँ, कॉपी कर देना इसको। कॉपी किया, अलग जाके मैंने कर रहा है ये, इसके बाद अपने वाले लेयर पे अपने वाले जो नया सीन लिया उस पे आया, नया डॉक्यूमेंट पे आया यहाँ पे, तो इसको मैंने कंट्रोल वी कर देना वापस, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना, और कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, इस तरह का कुछ एरर आता है, इसका मतलब ये होता है। अगर आप पुराने सब्सक्राइब, आपको पता है कभी कभी क्या होता है, हम कहीं से सिंबल उठाते हैं तो एक सीन के अंदर वो पेस्ट नहीं होता, तो हम सीन के बाहर आते हैं फिर हम पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है, ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर इशू है। तो यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेना, यहाँ पे वो आ जाता है, इसके बाद कंट्रोल एक्स कर देना, एक्स करने के बाद अंदर चले जाना है, इसके बाद पेस्ट कर देना, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वो आ जाएगा अंदर वापस,
तो यहाँ पे आ चुका है। अब ये होता है कंपाइलिंग। अगर इतनी बड़ी जो औरत है तो यहाँ पे वो यहाँ पे दरवाजे के सामने, यहाँ पे डोर के सामने वो काफ़ी बड़ी दिख रही है। हमेशा डोर को देखना कि कितना बड़ा डोर है, तो उससे मुताबिक आपको इसको कंपाइल करना है, इसको छोटा कर देना। लगभग इतना मैं रख सकता हूँ, मैंने इतना रख लिया। अब मुझे यहाँ पे मैंने इतना शॉर्ट दे दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे इतना लॉन्ग नहीं देना है, ये इतना लॉन्ग नहीं देना है। यहाँ से वो बात करेगी, इतना लॉन्ग नहीं देना है। यहाँ पे देखोगे वेट, ये अपना यहाँ पे बीजी काम कर रहा है। इसको बीजी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये पिछला मैंने कुछ पुराना फाइल उठाया तो यहाँ पे हो जाता है, तो इस तरह। ये वैसे भी मेरा यहाँ पे नॉर्मली, ये देखोगे ये एक ही है, बीजी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे आप नॉर्मल यहाँ पे यहाँ तक रखोगे फाइव तक, चाहे आगे तक रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना कर दिया और थोड़ा सा मैं इसको क्लोज ले जाता हूँ शॉर्ट को। मैंने इसको यहाँ पे इस तरह क्लोज ले जाना, यहाँ से शुरू करता हूँ। चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इसको क्लोज शॉर्ट से शुरू करता हूँ, इतने से शुरू करता हूँ और लगभग इतना क्लोज लाया। या फिर इसको लॉन्ग, पहले लॉन्ग दिखाना है तो लॉन्ग दिखा सकते हैं, क्लोज दिखाना है तो क्लोज दिखा सकते हैं। इस तरह मैंने लॉन्ग दिखाना है तो इस तरह मैं सेंटर में रखूँगा हमेशा चीज़ों को। सेंटर में रख दिया, ऐसा इतना रख दिया सेंटर में, करेक्टर को सेंटर में लेके चलाऊँ ऐसा। ये करेक्टर सेंटर में रखना और इसके बाद हे भगवान, ये यहाँ से बात करें। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा। ये अब देखोगे मैंने पहले लॉन्ग शॉट लिया है जानबूझ के, ताकि पता लगे ये कहाँ पे खड़ी है। उस तरह मैंने लॉन्ग शॉट लिया हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पे इस तरफ डोर है, अगर मुझे इसको इस तरफ रखना है तो मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा, इसको उल्टा फ्लिप कर सकता हूँ यहाँ पे, तो फ्लिप कर दिया तो ये उल्टी इस तरफ हो चुकी है। तो अभी मैंने यहाँ पे लॉन्ग शॉट बनाना है, तो इस तरह मैंने एफसिस कर दिया और इसको थोड़ा सा क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद सेम यही चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा ये कर दिया और इसके बाद थोड़ा सा नीचे कर दिया, इसको 105 थोड़ा सा बड़ा कर दिया और यहाँ पे ये इस तरह ऊपर की ओर आ चुका है। यूँ बीजी, अभी देखो कैमरा ऊपर की ओर जा रहा है ना, हम नीचे की ओर करेंगे, यूँ इस तरह आगे की ओर यूँ हो चुका है। हे भगवान, अब हम क्या कर। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा और पास में लाना तो और पास ला सकते हो, इस तरह ये इस तरह आगे की ओर हो जाएगा। यूँ ये हो चुका है इतना। इसके बाद आप क्लोज शॉट लगा सकते हो, यहाँ पे F6 कर दिया और इसके बाद इसको क्लोज शॉट लगाने के लिए आपको यहाँ पे आप बड़ा कर सकते हो। लेकिन बड़ा करने से पहले अगर आपको इसके बाद लॉन्ग शॉट फिर से चाहिए तो यहाँ पे लॉन्ग शॉट भी क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे F6 पहले करके रखता था, अगर लॉन्ग शॉट चाहिए तो मैंने इसको सीधा इतने पे इसको 150 कर दिया, 150 कर दिया, बड़ा कर देना है और बड़ा कर दिया तो 150 कर दिया और बड़ा कर दिया और यहाँ पे इतना क्लोज लगा दिया। ठीक है, इतना क्लोज लगा दिया। थोड़ा सा बीजी के साथ आप खेल सकते हो, उसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, इस तरफ कर सकते हो, तो यहाँ से जैसे आगे की ओर आता है तो इस तरफ भी थोड़ा सा नीचे हो जाती है और इस करेक्टर को अपने मुताबिक आप बड़ा भी कर सकते हो, क्योंकि ये जितना दिखता है उतना सा अच्छा लगना चाहिए, ऐसा मैंने इतना कर दिया। अब ये जैसे यहाँ से बात करेगी यहाँ पे नॉर्मली, यहाँ पे देखो ना, देखना क्या बात करेगी यहाँ पे। अब हमारा क्या होगा, हम भूखे ही मर जाएंगे, हम भूखे ही मर जाएंगे। तो इतना सा मैंने कर दिया और यहाँ पे भी मैंने पेनिंग दे दिया, क्लासिक ट्विन दे दिया और इसमें नॉर्मली पेनिंग देता हूँ आगे की ओर। मैंने 1105 दे देता हूँ, कम से दे देते हैं। अभी देखो नीचे की ओर आ रहा है, ये ज़रूर ध्यान देना, जब अपना कैमरा नीचे की ओर जाता है तो हम उसको दोनों को सिलेक्ट करके लेयर्स को इसको ऊपर की ओर ही लाएंगे, ऐसा। इससे क्या होगा, अपना जो कैमरा है वो सामने की तरफ आएगा, यूँ इस तरह सामने की तरफ आएगा यूँ। और आप इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए इस तरफ बीजी को पीछे की ओर ड्रैग किया मैंने तो सामने आएगा, तो इस तरफ आगे की ओर हो जाएगा। और इसको सेम आप ये वाला सेटिंग यहाँ पे दे सकते हो, इस सेटिंग का तो मतलब आप समझ चुके होंगे। तो मतलब बेहतर है यार गाइज, अच्छा। अगर नहीं लगता अच्छा तो चले जाइए, कमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आपको मेरे चैनल पे सीखने को मिल रहा है तो रहिए, नहीं सीखने को मिल तो चाहिए, मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ। और हमेशा मैं लाइव पे भी आता हूँ तो लाइव पे भी आपको बताता हूँ। आप लोग जुड़ते हैं गूगल मीट में, जुड़ते आप सामने बात कीजिए ना, बिकॉज मेरे पास मैंने काम किया है और मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता हूँ मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिए, आप ही लोगों ने मुझे कहा कि क्लास 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 दीजिए, तब जाके मैंने क्लास दिया। बट मेरा वैल्यू है, मुझे पता है पैसा सब कुछ है, पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती है, जो कहते हैं नहीं खरीदी जा सकती। मैं हमेशा कहता हूँ उन लोगों से दूर रहिए, क्योंकि वही लोग सुबह उठ के जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इतना हो चुका है और अपना इतना काम हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है। अब यही वॉइस ओवर को मैंने ऐसे कॉपी करना, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया, बाहर पेस्ट करना। ये मैं पहले से लेके रखा हूँ आपके लिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ, वरना मुझे इसको डिलीट करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। इस तरह मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता तो यहाँ पे F5 करके आगे करता।
ये जो पब्लिक सेटिंग है ना, इसको आपको करना है ताकि बिटरेट अच्छा रहे। अगर आप नया वर्जन में काम कर रहे हो ना 2022, तो वो उसमें वो पहले से अगर हो सकता है डिफॉल्ट है तो उसको वहाँ पे मत करना, वो उतना ही रख लेना जितना वहाँ पे है। बेस्ट है तो बेस्ट है, ओके, इसको इस तरह कर देना। और गाइज, अगर आप नॉर्मल 4GB वाले सिस्टम में काम कर रहे हो या लैपटॉप में काम कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं 2019 वाला ही वर्जन डाउनलोड करना एनिमेट का, क्योंकि वो अच्छा रहता है। ये मैंने भी 19 का किया है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, पर लेकिन मेरे को बस अच्छा हल्का 5G, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ये रखा हूँ। मैं 22 पे भी काम कर सकता हूँ, लेकिन ये हल्का सा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हल्की फाइल बनती है, इसलिए मैंने इसको रखा। तो आप भी वही रख सकते हैं अगर 4GB रैम है। मेरे पास अच्छा खासा रैम है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये मैंने कर दिया सेटिंग इसको, और दूसरा यहाँ पे भी मुझे प्रॉपर ये पब्लिक सेटिंग करके रखना। सेम यहाँ पे भी पब्लिक सेटिंग में आया। और ये सेटिंग कैसे आता है, अगर आप बाहर क्लिक करोगे ना तब नहीं आता है। यहाँ पे देखोगे, इस पर क्लिक करोगे तब नहीं आएगा, आपको कहीं पे भी खाली जगह पे क्लिक कर लेना, फिर ये आ जाता है। और इसको सीधा आगे कर देना है, और आगे करने के बाद इसको यहाँ पे आना है, 128 करना है और बेस्ट कर देना है, ठीक है। हाँ, बोल के थक जाता हूँ यार सच में। वैसे तो मैं सोचता हूँ कि बोलना कम चाहिए, लेकिन एक बार मैंने बोला नहीं था तो बहुत कुछ वक्त कमेंट आए थे, सर बोलिए बोलिए बोलिए, तब से मैंने सोचा चलो बोलता हूँ इतना बोलूँगा। तो इस तरह मैंने सेटिंग कर दिया, ओके, चलिए बकवास नहीं। इतना करने के बाद मुझे इसको रेंडर करना है। तो रेंडर कैसे करेंगे, अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे बंद करता हूँ तो इतना ही सा नज़र आएगा। तो मैं पहले से बता चुका, हर वीडियो में बता चुका, पर यहाँ पे पूरा बताऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आ गए, इसको मैंने यहाँ पे रेंडर मार दिया, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ब्राउजर में जाके मैं इसको डेस्कटॉप में दे देता हूँ, यहाँ पे सीन के नाम से दे देता हूँ, सीन वन, क्योंकि मैंने इसको FLA को सेव नहीं किया ना, इसीलिए सीन वन के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे देखोगे गाइज, मैंने यहाँ पे प्रीमियर को यहाँ पे लेके रखा हूँ, और इसको मैं तब तक यहाँ पे नया प्रोजेक्ट फाइल बनाता हूँ। यहाँ से आप नाम दे सकते हो, यहाँ से लोकेशन भी दे सकते हो, फिलहाल मैं लोकेशन नहीं दूंगा, कुछ नहीं करना है, ओके कर देना और यस कर देना, और यहाँ पे पूरा यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे एनिमेट पे भी यहाँ पे इसको MOV को निकाल रहा हूँ, तब तक अपना ये प्रीमियर प्रो में भी अपना सेटअप रेडी हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे इसको MOV को लगाएंगे। ऑलरेडी मैंने पहले भी सिखाया हूँ ये चीज़, बस यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, दो डायलॉग लेके रखा हूँ, उनको जोड़ने के लिए वहाँ पे बताया हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बताता। पुराने वीडियो देखिए और साथ में कॉम्पिटिशन का वेट कीजिए, 2-3 दिन के अंदर पूरा बता दूंगा कॉम्पिटिशन कैसे होने वाला, कब होने वाला, और इन्जॉय करना कॉम्पिटिशन को। मतलब नॉर्मली भाई 1000 रुपये सोच के मत करना, 1000 रुपये किसी एक को ही मिलेगा, लेकिन मतलब बिल्कुल सही, मतलब आपको मतलब होता ना कि अगर मैं एनिमेशन सीख रहा हूँ घर बैठ के, मैं एक वो छोटा सा एनिमेशन करूँगा भी, साथ में प्रैक्टिस भी करूँगा, साथ में वो किसी और के साथ भी वो मैच हो जाए, वो देख लेंगे कि हाँ मेरा एनिमेशन इससे बेस्ट हुआ या कैसे हुआ। तो पैसे को देख के मत करना, मतलब इन्जॉय, मतलब थोड़ा मतलब वहाँ पे गेम को मतलब उसकी तरह खेलना, जो कॉम्पिटिशन को उसकी तरह खेलना कि नॉर्मली मैं दूसरों को अपना एनिमेशन दूसरों के साथ वो देख रहा हूँ कि कितना बेस्ट है, ठीक है। तो ये रही कॉम्पिटिशन की बात, और अभी मैं दूसरे वाले पे पहले आता हूँ, इस पे भी मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे आने के बाद एक्सपोर्ट वीडियो, और अभी मुझे लोकेशन देने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ पे नाम चेंज करना है। तो मैं नाम इसको कैसे चेंज करूँगा, इसको मैं सीन 2 के नाम से चेंज कर दूँगा। तो सीन 2 के नाम से मैंने इसको नाम को चेंज किया, एक्सपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रीमियर प्रो पे ये खुल चुका है। पिछला ही वीडियो मैंने प्रीमियर प्रो पे बनाया था किस तरह कंपाइल करते हैं। गाइज देखो, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको इतना डिटेल में बताता है प्रॉपर तरीके से स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं, और मैं यहाँ पे नॉर्मल एपिसोडिक का सिखा रहा हूँ, ये बच्चा भी काम कर सकता है पहले से बता रहा हूँ। लेकिन गाइज यही 8 मिनट का स्टोरी आपको 15 से 20 हज़ार का पेमेंट आपको मिल सकता है, सॉरी एक वो का आपको 20 हज़ार 15 हज़ार और उससे भी कम मिल सकता है, 8 हज़ार, वो आप पे डिपेंड है। मान के चलो कोई क्लाइंट आपको कॉल करता है, वो बोलेगा 8 मिनट का एनिमेशन, आप बोलोगे वो आपको 15 हज़ार देगा और कैसे कैसे करके आपको 10 हज़ार देगा, वो आपका उसका बार्गेनिंग करने का अपना स्टाइल है। लेकिन इसका मतलब 8 मिनट का आपको 15 हज़ार तो मिलना चाहिए, उतना मिल जाता है, पर लेकिन आपको स्टोरी तो क्रिएट करना आना चाहिए ना, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ नॉर्मल तरीके से। मतलब इधर उधर का एनिमेशन मत करो, क्योंकि टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, और उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, सारा मैं बताया भी पहले से। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रीमियर ले लिया, प्रीमियर प्रो ले लिया, और यहाँ पे दोनों पहले यहाँ पे सॉरी MOV यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं इन दोनों MOV को एक साथ उठा के भी ड्रैग कर सकता हूँ, एक साथ भी ड्रैग कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे प्रीमियर प्रो नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ले गया, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा ना ड्रॉप मीडिया, तो यहाँ पे जाके आपको ड्रॉप कर देना, छोड़ देना, तब तक आप जो लेफ्ट क्लिक है वो छोड़ना मत। अब इस सीधा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो दोनों यहाँ पे आ चुका, पिछला वाला लेक्चर इसी पे था, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें तो समझ आई जाएगी। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ कैसे हुआ, दोनों यहाँ पे आ चुके आप अपनी जगह पे, तो अब देखो कैसे। फिर एक अनहोनी घटी और वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में पूरी नदी सूख गई। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा, हम भूखे ही मर जाएंगे।
तो देखा गाइस किस तरह ये दोनों सीन आपस में जुड़ चुके हैं यहाँ पे। तो इस तरह का कंटेंट या अपने यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हो, अपने क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं, आपको बस ये पूरा चैनल के पूरे वीडियो को देखना, प्रॉपर तरीके से देखना, तब आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के बाद आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। अगर फ्री में सीख रहे हो, अगर क्लास ज्वाइन किया, तो अब तो आपको तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूँ। तो गाइज इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए बस आपको एक ही चीज़ करनी होगी, वो है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आपको मैं तो क्या भगवान भी नहीं सिखा सकता है भाई, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से दिखाता हूँ, इसका मैं रेंडर नहीं मारने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है रेंडर कैसे मारते, कंट्रोल एम से रेंडर मारते हैं। ऑलरेडी पिछला वीडियो इसी पर आया, यहाँ पे आप देखोगे ऑलरेडी इसी पे वीडियो आया है कि किस तरह वो करते हैं, प्रीमियर प्रो पे ही आया है किस तरह MP4 मारते हैं। तो इसका मैं नहीं निकालूंगा, नॉर्मली आपको यहाँ से एक बार फिर से दिखाता हूँ। फिर एक अनहोनी घटी और वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में पूरी नदी सूख गई। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा क्या होगा? हम भूखे ही मर जाएंगे। तो इस तरह देखो, ये पूरा का पूरा डायलॉग के साथ सब कुछ मैंने दो बीजी को आपस में एमओवी को जोड़ दिया। तो इस तरह आप सारे एमओवी को एक साथ जोड़ोगे, एक एक करके डायलॉग करके सारे को जोड़ोगे। पिछले वाले ट्यूटोरियल में बताया, और नहीं देखा तो जाके देखिए। तो गाइज उम्मीद है इससे आपने थोड़ा बहुत तो सीखा होगा,